स्टूडेंट्स, स्मीर सलमान सोमर। और आज मैं आपको बताऊंगा प्रोनाउन हमारे पास क्या होता है, ठीक है? इसके बारे में मजीद पढ़ेंगे। आज डेफिनेशन आपको मैं पढ़ाता हूं, उसके बाद एग्जांपल्स की। ओके, डेफिनेशन। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। अब प्रोनाउन एक ऐसा लव्ज है स्टूडेंट्स जो नाउन की जगह पे यूज होता है। किसकी जगह पे? नाउन की जगह पे, ठीक है? और नाउन मैंने आपको बताया था किसी शख्स, किसी जगह, किसी चीज या किसी जानवर का नाम, ठीक है? अब उनकी जगह पे हम क्या यूज करते हैं? नाउन की जगह पे प्रोनाउन। एग्जांपल्स में हमारे पास आता है आई, मैं, ठीक है? वी, हम, ही, वो। ही यूज होता है लड़के के लिए, इसलिए जब लड़के का जिक्र करेंगे तो वो लड़के का मतलब हम कह रहे हैं लड़के के लिए। वो, शी, शी का मतलब भी वो है, लेकिन शी लड़की के लिए, ठीक है? दे, वो। अब दे एक से ज्यादा के लिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर फॉर एग्जाम्पल ही शी, अगर ब्रदर और सिस्टर अगर जो है इकट्ठे हैं, ठीक है, हम दे का जिक्र करेंगे। वो मींस एक से ज्यादा के लिए बात कर रहे हैं। मैं बात करता हूं आई, मैं लगाता हूं, अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं खुद की, ठीक है? अगर मैं मिसाल दे रहा हूं, मैं अगर कोई मेरा नाम लेता वो कहता है सलमान, ठीक है? अब मैं खुद की बात करूंगा, नाम की जगह मींस नाउन की जगह प्रोनाउन यूज करूंगा आई, तो क्या होगा? आई, मैं ये कह सकता हूं आई एम डूइंग माय वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूं, ठीक है? अब आए, मैंने खुद का जिक्र किया। अगर कोई मेरा अगर जिक्र करता हूँ, कहता है सलमान इज डूइंग वर्क, यार सलमान इज डूइंग हिज वर्क, सलमान चल अपना काम कर रहा है। सलमान नाउन था, नाउन खत्म किया, मैंने अपना खुद जिक्र किया, तो नाम की जगह मैंने क्या लगाया? आए, आई एम डूइंग माय वर्क, ठीक है? नेक्स्ट वी, ठीक है? अब मैं बात करने वाला हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं और मेरे साथ स्टूडेंट्स, या फिर मेरे साथ जो मेरे क्लास फेलो कह लें आप, या फिर जो मेरे साथ जो काम करते हैं, अगर हम दो एक से ज्यादा करें, एक से ज्यादा मीन्स मेरे साथ अगर एक भी कोई है साथ, तो वही का जिक्र करूंगा। वही, वी आर डूइंग आवर वर्क, हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है? वी, हम, ठीक है? एक से ज्यादा। अगर बाय चांस मैं बात कर रहा हूं, अगर यहाँ पे वही जो है प्रोनाउन ना होता, नाउन की बात करते, तो वहां पे दो नाम का जिक्र होता है, मेरा और साथ, उसका जो साथ मेरे है, ठीक है? तो तीसरा बंदा क्या कहता है? सलमान एंड, फॉर एग्जांपल सलमान एंड अली आर डूइंग देयर वर्क, ठीक है? अब सलमान और जो अली है वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे वही का जिक्र हुआ है, ना दो नाम हटाए जो नाउन थे हमारे पास, नाउन खत्म किए, हमारे पास प्रोनाउन आ गया वही। मैंने अपना जब जिक्र किया और मैं दोस्त का, तो मैंने वही साथ लिखा, ठीक है? उसके बाद ही, ये लड़के के लिए बात हो रही, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैं पहले कह रहा था कि फॉर एग्जाम्पल बात ही करते अली, ठीक है? या फिर हम ये कह सकते हैं सैम, ठीक है? अब मैं बात करूं सैम, अगर मैं बात करूं नाउन की, नाउन, तो बोलता सैम इज डूइंग हिज वर्क, ठीक है? सैम जो है अपना काम कर रहा है। लेकिन अगर सैम जो नाउन है, हम अगर सैम को खत्म करते हैं, तो लड़का सैम था, सैम को खत्म किया, उसके नेम को, सॉरी, उसके नेम को हमने खत्म किया, नाम को खत्म किया, तो क्या लगेंगे? ही, जो प्रोनाउन है नाउन की जगह पे लगेगा ही। तो क्या कहें? ही इज डूइंग हिज वर्क, वो अपना काम कर रहा है, ठीक है? हमने ही का जिक्र कर दिया उसके नेम की जगह ही, नेम उसका प्रोनाउन, सॉरी नेम उसका नाउन था, नाउन की जगह प्रोनाउन यूज किया, मीन्स उसके नेम की जगह ही यूज करेंगे लड़के के लिए। ही इज डूइंग हिज वर्क, वो अपना काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट शी, फिजा, फिजा की बात करता हूँ, ठीक है? चलिए सना ले लेते हैं, सना नाम भी अच्छा, ठीक है? और ओके, सना, अब मैं कहता हूँ सना इज डूइंग हर वर्क, ठीक है? सना जो है अपना काम कर रही है, ठीक है? अब सना एक नाउन है, एक शख्स का नाम है ना, नाउन है, तो अगर नाउन की जगह मैं लिखता हूँ प्रोनाउन, तो सना की जगह क्या लिखूंगा? शी, लड़की के लिए यूज हुआ, ठीक है? शी इज डूइंग हर वर्क, वो अपना काम कर रही है, ठीक है? नेम की जगह उसकी क्या आया? शी, जो कि प्रोनाउन है। ओके, नेक्स्ट दे, अब दे क्या होता है? देखो स्टूडेंट्स, मैंने वही यूज किया था हमारे लिए, एक से ज्यादा, अगर मेरे साथ कोई एक भी है या एक से ज्यादा, तो मैं वही का जिक्र करूंगा। अब दे की बारी क्या आ रही है? फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, अगर मैं देखता हूं एक शख्स है, उसके साथ दूसरा इंसान भी है, एक से ज्यादा शख्स है, ठीक है ना? वो एक से ज्यादा लोग है, मतलब वो मिलकर कोई काम कर रहे हैं, ठीक है? पहले हम क्या करते हैं, वही बात होगी कि सैम एंड जॉनसन, या फिर सैम एंड अली आर डूइंग देयर वर्क।
सैम और जो अली है वो अपना काम कर रहे हैं। अगर मैं सैम और अली जो है जो नाउन है आपका एक शख्स का दो शख्स के नाम बनकर मीन्स एक पर्सन का नाम बन गया नाउन, अगर मैं नाउन को खत्म करता हूँ ठीक है मीन्स उनके नाम को अगर हम खत्म करते हैं उनके नेम की जो क्या लिखेंगे दे आर डूइंग देयर वर्क, वो अपना काम कर रहे हैं, ये आपके पास आ गया प्रोनाउन ठीक है। तो इसे कहते हैं प्रोनाउन, जो नाउन की जगह पे यूज होता है उसे कहते हैं प्रोनाउन ठीक है स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आई होगी, वर्ब नाउन प्रोनाउन हमारा खत्म कर इसके नेक्स्ट लेवल पे लेके चलूंगा बहुत जल्द। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाके सबकी सब वीडियोस देख लेंगे बारी बारी करके, और दिल लगा के काम कीजिएगा पढ़िएगा, और मैं दुआ में याद रखिएगा सर समान समर को आप दे इजाजत, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, खुदा हाफिज़।